मेरे जागा जो ही ये सब भोजन आपके लिए है। पहले आप पढ़ो, भोजन ग्रहण करो। महाराज अभी तो दांत तो भी अटक की होगी ना, अंदर जान दो। लो महाराज और लो। मैं बैटरी दे दूंगा। अरे भ्राता, क्या पूरा समय खाने और पीने में ही व्यस्त करोगे? भ्राता श्री ध्यान हो, कहो किस लिए चुकाया गया है? भ्राता, आपको महलों में विश्राम करते हो, शायद आपको पता नहीं लंका की क्या हालत है। लंका को आपके होते हुए और लंका पर कोई कष्ट आ जाए, मैं ये विश्वास नहीं कर सकता। आप मुझे विस्तार से बताइए क्या घटित हुआ है। लंका की होती चांदी है, जिसका रानी की पदवी थी होती चांदी है। ऐसा, अरे ऐसा सोना भी क्या सोना, फिर कुमार चाय खाते में रखकर चाय पहन के नाक कान बड़े रखकर रखता है। प्राण तू पढ़ करके नाक कान पिक्चर है, पिक्चर है। तुम क्या कर रहे थे? क्या इंद्रजीत ने कुछ नहीं किया? और वह कौन जिन्होंने ऐसा दुस्साहस किया? लंका पे मुझे विस्तार से बताओ भाई। यहाँ सागर के उस पार दो लड़के है कि वो अयोध्या के नरेश है। उन्होंने पढ़कर फिर क्या हुआ? फिर होना क्या था? उन्होंने, मैंने भी आगे जाकर उनकी नारी का हर लिया। इस चीज का बदला लेने के लिए सुग्रीव और हनुमान लंका में आए और लंका की ईंट से ईंट बनाकर चले गए। लंका पति के होते हुए छोटे छोटे बानर लंका दहन करके चले गए। हाँ, वो लंका दहन करके चले गए। तुम खाट में सोते रहो, वो तो लंका दहन करेंगे। इंद्रजीत से कुछ नहीं हुआ, भद्दू संतरसना से कुछ नहीं हुआ। लंका के इतने भारी भारी राक्षस दल के नेता, इतने भारी भारी योद्धा, उनसे कुछ नहीं हुआ तो आप यहाँ क्या कर रहे हो? और फिर मुझे जब तुमने सीता का हरण किया उस समय अगर मुझे जगा देते तो ये दिन आज जो हम देख रहे हैं बिल्कुल देखना नहीं पड़ता। दादा श्री, मैं बताता अपनी बहन का बदला किस तरह लिया जाता है। सुन कुंभकर्ण, मैं तेरी यह बकवास सुनने नहीं आया। जिस कार्य के लिए आया हूँ तो उस कार्य को कर। उन दोनों लड़कों का जाकर काम तमाम कर और अति शीघ्र लौट कर। हे भ्राता, तीनों लोगों का राजा रावण, त्रिलोक विजेता रावण तो छोटे छोटे तपसी बच्चों के सामने असहाय हो गए। आज मुझे याद है ब्रह्मा जी ने जो हमें श्राप दिया था कि राजा दशरथ अयोध्या नरेश उनके घर में
साक्षात परमेश्वर नारायण का अवतार लेकर राम के रूप में जन्म लेंगे। तुम नारद जी का वो श्राप भी भूल गए जिन्होंने मुझे दिया था कि अगर लंका में पर नारी का हरण होगा तो सारे कुल का सर्वनाश हो जाएगा। भैया तुम्हें वो भी याद नहीं, तुम तो त्रिलोक विजेता और सारे शास्त्रों के ज्ञाता हो, फिर भी आपकी समझ में नहीं आया। मैं छोटा जरूर हूं भैया, लेकिन शास्त्र का ज्ञान मुझे भी है। मैं आपका मित्र भी हूं, आपका छोटा भाई भी हूं, लेकिन राजा का सच्चा हितैषी वही होता है जो विपरीत बुद्धि में विपरीत परिस्थिति में अपने राजा का साथ देता है, वही सच्चा मित्र और सच्चा हितैषी। भैया क्या भीषण का कुछ नहीं हुआ? भीषण कहाँ है? भैया वो भी जाकर उन तालों का अफसर से मिल गया, वो उसका तो नाम ही बदलो, वो तो कुल त्रोही है। वाह लंकेश वाह, जो सदा भगवान की भक्ति में लीन रहा, जिसने सदा परमेश्वर के बताए रास्ते पर कदम रखा, वो अधर्मी कैसे हो सकता है? मैं नहीं मान सकता भ्राताश्री, आप मुझसे बड़े हैं, इस लंका के राजा है, आपका आदेश मानना और उसका पालन करना मेरा दायित्व भी है, मेरा कर्तव्य भी है, लेकिन मेरा एक अधिकार भी है। मैं अपने भ्राता को एक परामर्श जरूर दूंगा। भ्राताश्री, अगर राक्षस जाति के गौरव को बचाना है तो रघुनंदन से संधि कर लीजिए और सीता जी को उनके अर्पण कर दीजिए। मुझे लगता है तू भाई मेरा नहीं उन तरह का है। नहीं भैया, कुमती के सामने आप किसी की नहीं सुन रहे, यही बात सभी संत ने भी आपको कही होगी, लेकिन आपने उसे भी निकाल दिया होगा। तुम करो अब जाओ, ज्ञान धाम की बात छोड़, और जो मैं कहता हूं उस कार्य को कर। हाय ब्राता, आप जो क्या देंगे मैं वो जरूर करूंगा, इस लंका नगरी के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दूंगा, लेकिन पीछे नहीं हटूंगा, अपने भाई अपने राजा के लिए लड़कर मरना नहीं, सच्चे हितैषी और सच्चे भाई का एक कर्तव्य है, इसलिए मैं आज इस लंका के सिंहासन की कसम खा कर जाता हूं कि उन दोनों वनवासी राम और लक्ष्मण सुग्रीव अंगद और हनुमान सबके सर काटकर लंका की गली कुची में ठाकरे मारता हुआ ऐसे लाऊंगा, ताकि इस लंका के जितने भी सैनिक और योद्धागण मरे हैं उनके बाल सका उनके घर वाले एक एक ठोकर मारकर अपने सिर की भड़ास निकाल सके। हाँ कुंकरण, मैं भी यही चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ सतरंगी सेना भेजता हूँ। भ्राताश्री मेरी छाती में शंकर भगवान किसी सेना किसी योद्धा की जरूरत नहीं, कुंभकर्ण अपने आप में संपूर्ण सेना अस्त्र और योद्धा है, मैं अकेला ही युद्ध में जाऊंगा। हाँ भाई आप अवश्य जाओ और सूर्य उदय होने से पहले आप उनका काम तमाम करके लौटो। भैया एक प्रार्थना करूं? हाँ बोलो, क्या बोलना चाहते हो? भैया वो साक्षात नारायण है जिनसे युद्ध करने के लिए मैं जा रहा हूं, छोटा हूं परामर्श दे रहा हूं, लेकिन लंका के हित में है अगर मैं युद्ध में मारा जाऊं तो आप रघुनंदन से संधि कर लेना, ताकि इस लंका के
सिंहासन का गौरव बढ़ा रहे, हमारी सारी प्रजा खुशहाल रहे, ऐसा ना हो कि सारे के सारे योद्धा मारे जाए, हमारे बच्चे अनाथ हो जाए, हमारी माताएं बहनें विधवा हो जाए। ये श्राप प्रताप नहीं होगा, आपसे इतनी मेरी प्रार्थना है। जब तेरा जैसा भाई ना रहा तो फिर मैं यहाँ रहकर क्या करूंगा, इसलिए कोई संधि नहीं होगी, होगा तो सिर्फ होगा। आप सुने आज्ञा दीजिए, मैं आज सूर्य अब से पहले उस लघु कुशल लड़का सावन